हम बात कर रहे हैं TTML की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट हमको फ्लाइटेड ही ट्रेडिंग देखने के लिए मिले, फ्लाइटेड ही ट्रेड होता हुआ स्टॉक हमको नज़र आ रहा है। देख सकते हैं 84.87 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, 84.87 पैसा। जब अपने सपोर्ट को 88 के सपोर्ट को ब्रेकडाउन किया था TTML ने, हमने इस लो को नेक्स्ट सपोर्ट के तौर पर डिस्कस किया था 84 का लेवल। देख सकते हैं उसी सपोर्ट पर स्टॉक सपोर्ट लेता नज़र आ रहा है, लेकिन स्टॉक का चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है? रिजेक्शन, छोटा मोटा जंप, अगेन रिजेक्शन, लो ब्रेकडाउन, छोटा मोटा जंप, रिजेक्शन, लो ब्रेकडाउन। तो यहाँ से स्टॉक अपने सपोर्ट को यानी 84 के सपोर्ट को, जहाँ से सपोर्ट लेकर एक जंप दिखाया ऑलमोस्ट, इस लेवल को भी ब्रेक डाउन कर सकता है। 84 का लेवल, अगर 84 का लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर 80 तक का फॉल TTML दिखा सकता है, 78-80 का लेवल, फिर नीचे की ओर मेजर सपोर्ट का काम करेगा TTML के लिए। लेकिन अगर स्टॉक में रिकवरी आती है, बाउंस बैक करता है, तो पहले जहां सपोर्ट ले रहा था स्टॉक जो 88-90 का लेवल, यहां तक का जंप दिखा सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है और इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, एटलीस्ट क्लोजिंग भी दे जाता है इसके ऊपर, क्लोजिंग क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं जंप पर स्टॉक रिजेक्शन ले रहा है और लो ब्रेकडाउन होता नज़र आ रहा है। तो यहाँ से जंप के साथ इसका ये जो हाई है, ये अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर यहाँ से चार्ट पैटर्न हमको बदलता नज़र आ सकता है, इसके फिर चांस बन सकते हैं। तो 90 के लेवल पर नज़र रखना है, 90 का लेवल ब्रेकआउट कर जाता है TTML, तो फिर ऐसी सिचुएशन में 94 और 100 तक का जंप हमको देखने के लिए मिल सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।